हेलो स्टूडेंट, हियर वी डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल बाय विच यू हैव गॉट ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दिस चैनल। लेट अस डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। बिफोर डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव सम थिंग्स विच आर कैप्ट इन अवर माइंड। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव ऑलवेज डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन सिस्टम, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट we have defined potential energy for a conservative force. Conservative force, which we discussed in previous topic, those forces which did not depend upon the path, which depend upon a position, is called conservative force. For example, gravitational force, electric force, magnetic force, these forces are called conservative force. And those forces which depend upon the path is called non-conservative force. For example, friction force. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो लेट, तो जो हमने अभी जो आपको डेफिनेशन बोली, डेफिनेशन बताया कि आपका द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी स्टोर कहाँ से होती है, तो इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है ना। तो ये जो वर्क डन होता है, यही किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसको हम मैनेदर वे से भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट, जैसे आपको एक एग्जांपल दें, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आर सरफेस से किसी हाइट पर लेके जाते हो, है ना, और जब इसको रिलीज करोगे, तो ये इसकी जो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी, विच वुड चेंज इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। जब आप किसी हाइट पर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक ले जाने में क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और ये वर्क डन जो है, वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे, तो ये क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा। जो वर्क जो है वो आपका, ये जो मतलब एनर्जी जो स्पेंड होगी, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में अपेयर होगी, ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपेयर होगी। तो ये जो है इसका मतलब आपका फिजिकल सिनेरियो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हेयर ग्रेविटेशन फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम डिफाइन करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मान लीजिए स्प्रिंग है आपकी, और स्प्रिंग को आपने क्या कर देना है, कंप्रेस कर दिया। जैसे स्प्रिंग थी, ये आपकी स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, या आपने जो है स्प्रिंग को क्या कर दिया, आपने एक्सटेंड कर लिया, है ना। तो जब आप कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने पर क्या होगा आपका, कंप्रेस करने पर जो है, या जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, तो ये वर्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये जो है उसकी जिस पोजीशन में लेके आए, तो जो पोजीशन में लाने को आपको क्या करना पड़ा, इसके इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ा, आपको वर्क करना पड़ा। इलास्टिक फोर्स बोल दे, या आप रिस्टोरिंग फोर्स बोल दे, इस स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वही वर्क जो है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन वी रिलीज द स्प्रिंग, या व्हेन वी रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंड सम हाइट, देन इट विल परफॉर्म ए वर्क विच वुड अपेयर इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन दिस सिचुएशन, जो आपका अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एंड इन दिस सिचुएशन, जो आपका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, विच वुड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। दिस डिस्कशन वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक, है ना, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा ये हो गया द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, अगेंस्ट द आपका ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। The amount of work done against the gravitational force is stored in the form of potential energy. Student, the one thing is kept in our mind that potential energy always discussed in form of change in potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको लिख सकते हैं आपका वर्क डन अगेंस्ट द आपका कंजर्वेटिव फोर्स,
जो होगा वही आपका क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ये क्या होगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू है ना, क्या होगा ऑलवेज डेल्टा यू, मतलब किसी सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस नहीं कर सकते है ना। तो अभी आप समझ जाओगे है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका अर्थ सरफेस पे सिचुएटेड था, एच इक्वल टू जीरो पे सिचुएटेड था, उसको जो है हम h1 हाइट तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इस h1 हाइट तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, और ये वर्क डन जो है इसके फॉर्म में स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और इस फिर यहाँ पर जो मान लीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है u1, और u1 किसके अगेंस्ट आपने वर्क डन किया, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस माइनस एम जी एच, यानी आपके कुल मिला के जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कंडीशन में वो mgh1। जब हम इसको h1 हाइट से आप h2 हाइट तक लेके जाते हैं है ना, h1 हाइट से कितनी हाइट तक लेके गए h2, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी mgh2 है ना। तो जैसा कि हमने अभी आपको बोला कि वी हैव ऑलवेज डिस्कस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखो बेटा, u2 माइनस u1, और u2 माइनस u1 का मतलब हो गया बेटा आपका ये जो आपका mgh2 माइनस h1 है ना, और mgh2 माइनस h1, और u1 जो है अब हम यहाँ पर जो है रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेते हैं, ग्राउंड। अगर जैसे यहाँ पर जो है रेफरेंस पॉइंट आप क्या ले लो, ग्राउंड ले लो है ना। तो ग्राउंड की कंडीशन में यानी ग्राउंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी u1 की वैल्यू क्या ले लोगे आप, जीरो। लेट जो आपका जो है जो इनिशियल पॉइंट है, लेट h1 इक्वल टू क्या है, जीरो, देन h2 इक्वल टू आप क्या ले लो, आप h ले लो है ना। तो देन u2 इक्वल टू आप क्या कर लो, u2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा बेटा mgh। तो जब भी हम बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ देते मेजर किया हमने, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी, जीरो थी, h इक्वल टू जीरो, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, जब h1 की वैल्यू आपने जीरो ले ली, तो h2 की वैल्यू आपको कितनी ले लेनी है, आपको h ले लेनी है। तो उस कंडीशन में जो चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू एट एन हाइट h2, तो जो आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात की वो क्या हुई, u2 इक्वल टू mgh, यानी u इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -mgh है ना। और इसको हमने डिफाइन किया है, ये तो आ गया आपका -fc into dx, और इसको हमने डिफाइन किया है ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो आपका किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका वर्क डन ही तो है, वर्क डन का मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके ही तो निकाला आपने है ना। तो अगर हम इसको किसी और तरीके से मतलब अगर आप डिफाइन कर लें, तो आप अगर आप देखना चाहो तो एफ सी माइनस जो आपने ये फार्मूला लिखा था, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंडिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी डी एक्स इक्वल टू क्या लिख लोगे, माइनस का डी यू है ना, इंडिकेशन के साइन हटाएंगे तो डेल्टा यू डी यू हो जाएगा। तो एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, जो हमें यहाँ से इसकी डेफिनेशन से बात पता चलती है ना। तो जैसा कि हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी सिस्टम के लिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और उसमें रेफरेंस पॉइंट वो आप अपना कुछ भी ले लो। तो उस यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया था, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो हमने अर्थ सरफेस से लिया था है ना, अर्थ सरफेस से इस हाइट तक ले जाने में उसमें कितना चेंज किया, तो वो हम डिफाइन करते हैं है ना। तो हेयर इन दिस सिचुएशन वी हैव ऑल्सो डिफाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर कॉल्ड आपका ग्रेडियंट, हेयर दिस इज आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। तो ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स जो है ऑलवेज
आपका निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यहाँ से हमको ये बात पता चल जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल। यहाँ पर जो आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स बेटा किस तरफ लग रहा था, नीचे क्यों, आपने वर्क डन कैसे किया, आपने ऊपर क्यों, इस वजह से आपका ये फार्मूला बन जाए। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस सिचुएशन वी हैव डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आर टू टाइप्स, वन इज आपका हेलिकल स्प्रिंग एंड अनदर इज स्पायरल स्प्रिंग, है ना। वी हैव कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन स्प्रिंग। तो लेट ए स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है आपका विच इज मासलेस, यहाँ पे स्प्रिंग को जो हम मासलेस ले सकते हैं, इन नॉर्मल पोजिशन जो है लेट इस पोजिशन इज टू बी एक्स इक्वल टू जीरो। वैन वी स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, है ना, देन द वर्क डन इज परफॉर्म अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आपको अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रहा होगा बेटा, इस तरफ, और इसके वर्क डन कैसा करना पड़ा, इसके अगेंस्ट करना पड़ा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो आपने वर्क डन किया है ना, वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसको बोल सकते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, है ना। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्प्लेसमेंट के कैसे होता है आपका निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होता है, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के कैसे होता है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के एक्स, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जैसा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रखा है, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालें अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस के एक्स डी एक्स, है ना, है ना। तो ये जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स जो निकाला, मान लीजिए जीरो से आप कहाँ तक लेके जा रहे हो, एक्स तक लेके जा रहे हो। यहाँ पर जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो यू टू माइनस यू वन, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये रेफरेंस पॉइंट आपने कहाँ पे ले रखा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ले रखा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया जीरो से लेकर एक्स, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, और ये हो जाएगा अगर इसको इंडिकेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एक्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर, कितनी हो जाएगी बेटा, वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अगर मान लीजिए इस वाले की बजाय पहले हमने इसको मान लीजिए जो अगला केस की बात करते हैं, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे एक्स आई ली, और फिर उसके बाद जो है इस पोजीशन से जो है हमने जो है इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए ये फाइनल हो गई, ये एक्स आई डिस्टेंस तक लेके गया, यहाँ पर हो गया था आपका एक्स एफ डिस्टेंस तक लेके गया। तो उस कंडीशन में अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यू टू माइनस यू वन, है ना, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वन अपॉन टू के एक्स एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू के एक्स आई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमको क्या कर लेना है, यू वन, ये यू वन जो है इस वाली सिचुएशन, यू वन हमने कहाँ पर कंसिडर कर रखा है, नॉर्मल पोजिशन में एक्स इक्वल टू जीरो, नॉर्मल पोजिशन में, यानी जब एक्स आई की वैल्यू जब आप जीरो कर दोगे तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वन अपॉन टू, देन एक्स एफ इक्वल टू क्या लिख लो बेटा, देन एक्स एफ इक्वल टू आप लिख लोगे एक्स, देन ये जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर। यानी कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन करते, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट क्या ले रखा है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद में हमने जो ले रखा था वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या ले रखा था, ग्राउंड, है ना, और यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट ले रखा है वो आपने नॉर्मल पोजीशन, है ना। तो इस वजह से वन अपॉन टू के एक्स, मान लीजिए किसी पोजीशन से किसी पोजीशन तक के लिए निकाली हो तो उस कंडीशन में जो है वन अपॉन टू के एक्स एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू के एक्स आई स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगी। थैंक यू। अगले वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू।